नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से भा से, हिंदी के भा वर्ण से भैंस का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपको भा कैसे लिखना है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वैसे तो भा दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर आप पेंसिल की हेल्प से आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह लिखना होगा। एक लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ पर एक लाइन, और ये वाला सिरा आप थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा। इसको ध्यान से करिएगा, यहाँ तक जब आपका बन जाएगा तो गाइस यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसको डबल कर दीजिएगा तो सींग बन जाएगा। सींग बनाने के बाद एक इधर करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, इस तरह दो सींग आप बना दीजिए। यहाँ पर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसी के बगल से ही हमें भैंस का ईयर बना देना होगा, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और गाइस आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से दोस्तों ये करिए और इसको छोटा छोटा पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद इधर एक छोटा सा पॉइंट लगाइए, एक यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाएंगे, इधर से ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाइएगा, तो आई बन के तैयार हो जाएगा। अब गाइस हमें यहाँ पर आ जाना है, यहाँ से एक लाइन आप यहाँ पर एक लेग लेग बनाना होगा, इधर से लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लाइन कैसे ड्रॉ करना है इसको ध्यान से देख लीजिए, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर से भी आप ऐसे लाइन आसानी से ड्रॉ कर देंगे। जस्ट बगल से ही आपको डबल लाइन ड्रॉ करना है, इसकी हेल्प से भैंस का लेग बन जाएगा। इधर से यहाँ पर मिलाइए, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ पर टच करिए, ये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप नीचे की तरफ ऐसे मिला दीजिए, अब हमें इसको ऐसे ले जाना है हल्का सा ऊपर, फिर नीचे की तरफ ले जाते हुए इधर बढ़ाएंगे और ये वाला पोर्शन लाकर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर लाइन ड्रॉ करिए, इसे मिला दीजिए। अब आप भैंस की पूंछ बना दीजिएगा, इधर हो जाएगा, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस ये हमारा बहुत ही आसानी से भा से भैंस का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको कलर भी करना आसानी से सीख लेते हैं।